नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, आपने आज से पहले बहुत बार हो सकता है सुना होगा होविट्जर के बारे में, कैनन के बारे में, मोर्टार के बारे में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा दोस्तों कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है? जनरली होविट्जर और मोर्टार ये दोनों एक से ही लोगों को लगते हैं। टैंक थोड़ा सा अलग तो है, लेकिन अगर डिफरेंस के मामले में पूछा जाए तो बहुत कम ही लोग इसके एक्चुअल डिफरेंस को जानते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ आप जो शब्द सुनते हो, प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड, डायरेक्ट फायर, इनडायरेक्ट फायर, आर्टिलरी, कैवेलरी, इन सब के बारे में भी आपको वीडियो के एंड तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं जो कन्वेंशनल वॉर होती है उससे। तो दोस्तों, जो कन्वेंशनल वॉर होती है वो ग्राउंड फोर्सेस के बीच में होती है। तो इस तरह के युद्ध में दोस्तों दो तरह के वेपन का इस्तेमाल किया जाता है, पहला है आर्टिलरी और दूसरा है कैवेलरी। कैवेलरी दोस्तों वैसे तो पुराने समय के घुड़सवार सेना को कहा जाता था, लेकिन आज के समय में बात किया जाए तो आज के समय में घुड़सवार सेना तो नहीं होती है, तो इसके लिए हम इस जगह पे टैंक का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि टैंक एक आर्टिलरी में नहीं बल्कि एक कैवेलरी में आता है। वही बात कर लेते हैं आर्टिलरी की। तो आर्टिलरी और कैवेलरी में बेसिकली ये डिफरेंस है दोस्तों कि कैवेलरी में जो अटैक होता है वो विजुअल रेंज में होता है, यानी कि जो टैंक्स होते हैं वो जब अटैक करते हैं तो विजुअल रेंज में जो फायरर होता है, यानी कि जो फायर करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो टारगेट दिखाई देता है अपने विजुअल रेंज से, उस पे वो फायर करता है अपने टैंक के थ्रू। और आर्टिलरी में जनरली जो टारगेट होता है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज का होता है, यानी कि हमें हमारा टारगेट दिखाई नहीं दे रहा होता है, उसे हमें लेकिन लॉक करके मारना होता है या फिर किसी अंदाजे को लेके मारना होता है। जैसा भी आपका आर्टिलरी सिस्टम है उस हिसाब से आप अटैक करते हो, लेकिन ये जनरली बियॉन्ड विजुअल रेंज में होता है। अब बात कर लेते हैं ये दोनों वेपन किस तरह के होते हैं। तो ये दोनों ही वेपन दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोपेल्ड और एक होता है सेल्फ प्रोपेल्ड। टैंक की बात की जाए तो टैंक्स हमारे सेल्फ प्रोपेल्ड ही होते हैं, ये प्रोपेल्ड नहीं होते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड क्या होता है? तो ऐसा कोई भी वेपन जो एबल टू मूव हो अपने खुद के पावर की वजह से, उसको हम सेल्फ प्रोपेल्ड कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टैंक में खुद में ही खुद को आगे बढ़ाने की क्षमता होती है, यानी टैंक एक ऐसी मशीन है जो कि खुद से ही अपने पावर के बल पे एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। जबकि प्रोपेल्ड या फिर मैनुअली प्रोपेल्ड में ऐसी चीजें आती हैं जो कि एबल टू मूव खुद के पावर के बल पे नहीं होती हैं। जैसा आपने जनरली आर्टिलरीज में देखा होगा कि उन्हें किसी चीज से लिफ्ट किया जाता है, एयर लिफ्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, या फिर किसी और व्हीकल के थ्रू उसे खींच के कहीं ले जाया जाता है। तो इस तरह के वेपन को हम कहते हैं प्रोपेल्ड या फिर मैनुअली प्रोपेल्ड वेपन। अब बात कर लेते हैं फायरिंग की। तो फायरिंग दोस्तों दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट फायर और दूसरा होता है इनडायरेक्ट फायर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा होविट्जर और मोर्टार और टैंक्स के बीच में, तो उसमें ये डायरेक्ट फायर और इनडायरेक्ट फायर शब्द जरूर आएगा। तो डायरेक्ट फायर में दोस्तों फायर करने वाला अपनी विजुअल रेंज के हिसाब से टारगेट को ट्रैक करके उस पे फायर करता है। ये जनरली अनगाइडेड एम्यूनिशंस के थ्रू होता है। जैसे कि कोई टैंक होता है, तो टैंक से जब आप सामने की ओर अटैक कर रहे होते हो तो उसमें आपका टारगेट आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है, या फिर टैंक में लगे हुए वेपन से डायरेक्टली आप उसको विजुअल रेंज के थ्रू देख के अटैक करते हो, तो ऐसे फायर को हम कहते हैं डायरेक्ट फायर। वहीं बात करें इनडायरेक्ट फायर की, तो इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज से अपने एम्यूनेशंस को एक फिक्स्ड बैलिस्टिक पाथ के थ्रू फायर किया जाता है। इसमें दोस्तों गाइडेड वेपन का भी यूज हो सकता है और अनगाइडेड वेपन का भी यूज हो सकता है। तो ये तो आपको बेसिक समझ में आ गए। अब बात कर लेते हैं मेन डिफरेंस की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कैनन्स की या फिर टैंक्स की। वैसे तो इन सारे ही तीनों चीजों में कैनन्स लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टैंक की पहले बात करते हैं। तो टैंक दोस्तों ऐसी चीज होती है जिसमें कि हाई वेलोसिटी होती है इसके फायर में, लो एंगल होता है और डायरेक्ट फायर होता है। यानी कि आप इस पिक्चर में जैसा कि देख सकते हो, टैंक की जो फायरिंग होती है वो लो एंगल की होती है, यानी कि वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ही ऊपर फायर करता है। और इसी वजह से टैंक से जो फायरिंग होती है उसमें हाई वेलोसिटी होती है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है,
क्योंकि उसका एंगल लो होता है और इसमें फायरिंग मेथड यूज किया जाता है डायरेक्ट फायर का। उसके बाद बात कर लेते हैं होविट्जर की, तो होविट्जर भी दोस्तों एक तरह का आर्टिलरी ही है। इसमें जो फायरिंग होती है वो मीडियम वेलोसिटी की होती है, इसका एंगल भी मीडियम एंगल होता है और इसमें डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फायर किया जा सकता है। यानी कि होविट्जर के थ्रू जो फायर होता है, क्योंकि उसका एंगल हाई होता है टैंक्स की तुलना में, यानी कि वो ऊपर की ओर से अपने शेल्स को नीचे की ओर भेजते हैं, इसलिए इसकी वेलोसिटी मीडियम होती है। यानी कि इसके जो शेल्स की स्पीड होती है दुश्मन की ओर जाने की, वो टैंक्स की तुलना में स्लो होती है और ये एक मीडियम एंगल के थ्रू एक बैलिस्टिक पाथ को फॉलो करते हुए वहां पे गिरती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर का मतलब आप समझ ही गए कि डायरेक्ट मतलब आप विजुअल रेंज में फायर कर रहे हो, इनडायरेक्ट मतलब कि आप बियॉन्ड विजुअल रेंज से फायर कर रहे हो। बात की जाए यूसेज की, तो देखो दोस्तों टैंक जो होता है वो बेसिकली ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक के लिए ही होता है, जबकि होविट्जर जो होता है वो ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक के साथ साथ ग्राउंड टू माउंटेन पे भी अटैक करने के लिए होता है। जैसे कि कारगिल के वॉर में अगर आपको याद हो तो होविट्जर्स का इस्तेमाल किया गया था और इसी के थ्रू हम ग्राउंड से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे अटैक करने में समर्थ हुए थे। अब इसमें आता है तीसरा मोर्टार का, तो मोर्टार को दोस्तों माउंटेन टू ग्राउंड या फिर माउंटेन टू माउंटेन भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सबसे खास बात यह होती है दोस्तों कि ये छोटा होता है, लाइट वेट होता है, सिंपल होता है और मैन पोर्टेबल होता है, और इसमें जो शेल्स यूज किए जाते हैं वो मजल लोडेड होते हैं, यानी कि वो ऊपर की साइड से ड्रॉप किए जाते हैं इस वेपन में शेल्स इसके, और उसके बाद वो उसको फायर करता है। इसमें शेल की स्पीड लो होती है यानी कि ये लो वेलोसिटी पे होता है और एंगल इसका हाई होता है, यानी कि इसका जो एंगल है वो होविट्जर से भी ज्यादा हाई होता है, और इसमें जनरली फायर इनडायरेक्ट फायर होता है यानी कि टारगेट आपके विजुअल रेंज के बाहर ही होता है, उसी केस में आप इसका इस्तेमाल करते हो। मोर्टार के साथ खास बात यह है कि अगर आप किसी ऊंची पहाड़ियों पर जाते हो तो उस केस में आप वहां पे ना ही टैंक्स को ले जा सकते हो ना ही होविट्जर्स को लेके जा सकते हो, लेकिन आप मोर्टार क्योंकि मैन पोर्टेबल होता है इसलिए आप मोर्टार को लेके जा सकते हो। तो ये फायदा होता है और ये तीनों अलग अलग तरह के रोल को निभाते हैं और यही इन तीनों का बेसिक डिफरेंस है। वैसे अगर और डीप में जाया जाए तो और भी कई सारे डिफरेंसेस होते हैं इन सबके बीच में, लेकिन इस वीडियो में हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मीनिंग समझाने के लिए इन तीनों चीज को बाइफकेट किया था और प्रोपेल्ड सेल्फ प्रोपेल्ड वगैरह बताया था। यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि जो होविट्जर्स होते हैं वो प्रोपेल्ड भी होते हैं और सेल्फ प्रोपेल्ड भी होते हैं, तो अलग अलग तरह के आते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो सेल्फ प्रोपेल्ड है होविट्जर उसको आप टैंक समझ ले, क्योंकि टैंक और होविट्जर्स में अलग डिफरेंस होते हैं जो कि हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मैं मनीष मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, मुझे इजाजत दीजिए और आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।